हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो प्लान। दिस इज मी मुस्कान अरोड़ा। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं राधा स्वीट स्पेशल प्रोजेक्ट। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको ये कैट की स्प्राइट को डिलीट कर देना है और हम यहाँ पे बैकड्रॉप अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम बैकड्रॉप अपलोड कर लेते हैं। तो बैकड्रॉप के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ बैकड्रॉप ले रखे हैं, डाउनलोड किए हुए हैं, तो उनका जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगी, तो वही मैं यहाँ पर अपलोड करने वाली हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट बैकड्रॉप है वो ये है। इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं कोने से उठाकर बड़ा कर दूंगी, लाइक दिस। अब देखिए ये बड़ा हो गया। एक और बैकड्रॉप मैं यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ, तो जो मेरा दूसरा बैकड्रॉप है वो ये वाला है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी और इसको मैं कोने से पकड़ के इसको भी क्या करूंगी गाइस, इसको भी मैं कर दूंगी बड़ा। उसको हम ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको यहाँ पर एक स्प्राइट को अपलोड करवाना है। कौन सी स्प्राइट को, सबसे पहले तो मैं राधा जी की स्प्राइट को यहाँ पे अपलोड करा रही हूँ, ठीक है, लिटिल राधा। देखिए अब जो मेरी राधा जी थी वो यहाँ पर आ गई, तो इनकी स्प्राइट मैंने ले ली। अब दूसरी बात क्या है, अब मुझे इनको इंस्ट्रक्शंस देने, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या देने हैं, जैसे ही मैं फ्लैग को क्लिक करूँ, व्हेन फ्लैग क्लिक, जैसे ही मैं फ्लैग को क्लिक करूँ तो इनकी जो स्प्राइट है वो शो करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ शो का ऑप्शन, दिस वन, इतना हो गया। उसके बाद इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर साइज को सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेट साइज टू, और 100 है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट 100 रहता है, लेकिन यहाँ पे मैं ले रही हूँ 80 साइज मैंने ले लिया। फिर मुझे इनको कहाँ से स्टार्ट करवाना है, ये क्या करेंगी, ये मूव करती भी जाएंगी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया गो टू एक्स। और गो टू एक्स लेने के बाद गाइस मैं यहाँ पे कंडीशन डाल देती हूँ माइनस की 179, और y की जो पोजीशन है वो मैं डाल देती हूँ माइनस की 115, ठीक है। अब देखिए राधा जी जो थी यहाँ पर पोजीशन पर आ गई और ये छोटी भी हो गई, इनका साइज जो था वो 80 हो गया। फिर अब मुझे ये वाला बैकड्रॉप नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट बैकड्रॉप चाहिए जो मैंने पहले लिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ स्विच बैकड्रॉप टू एंड बैक, इसका नाम बैक है। देखिए ये वाला बैकड्रॉप मेरा पहले आएगा। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल में जाना है और यहाँ पे आपको ले लेना है रिपीट 10 का ऑप्शन, और रिपीट 10 लेने के बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे रिपीट 40, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मोशन में जाना है और इसको कितना मूव कराना है, इसको आपको मूव करवाना है माइनस के 10 स्टेप भी आप मूव करवा सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम माइनस मूव 10 स्टेप ले लेते हैं, माइनस 10 नहीं लेंगे, अगर माइनस 10 लेंगे तो ये उल्टा आएगी, ठीक है, हमें तो इनको सीधा आगे की तरफ मूव करवाना है। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल पे जाके हम लोग वेट का ऑप्शन लेंगे और यहाँ पे मैं लगा दूंगी वेट 0.5, यानी कि ये मूव करें और वेट करें 0.5 सेकंड का। फिर क्या करना है गाइस, आपको इफ कंडीशन ले लेनी है, ठीक है, और सेंसिंग में जाके आपको ले लेना है टचिंग माउस पॉइंटर, और यहाँ पे हम लेंगे एज। जैसे ही ये एज को टच करेंगी, कोने को टच करेंगी, तो क्या होगा, ये इसी पोजीशन पे आ जाएंगी। तो इसको हम कर लेते हैं डुप्लीकेट, इसकी हमने कर ली कॉपी, ठीक है, इसी कंडीशन पे ये हमारी जो है आ जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारा बैकड्रॉप है ना वो दूसरा आ जाएगा, स्विच करा देंगे बैकड्रॉप। जैसे ही ये कोने को टच करेंगी दूसरा बैकड्रॉप आ जाना चाहिए, तो स्विच बैकड्रॉप टू, बैकड्रॉप टू, ठीक है, यही वाला हमारा आना चाहिए। देखिए अब हमारा जो बैकड्रॉप था वो क्या हुआ, वो भी स्विच हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे गाइस, हम इवेंट पे जाके ले लेंगे वेन फ्लैग क्लिक, एक और वेन फ्लैग क्लिक ले लेंगे, और अब जो राधा जी है वो सोचती भी जा रही है, तो हम यहाँ पे थिंक के 3 ऑप्शंस लेंगे, ये वाला, इसी को ही हम 3 बार ले लेते हैं, ठीक है। क्या सोच रही है ये सोच रही है कृष्णा फ्लूट, ठीक है, और उसके बाद ये सोच रही है वेयर इज कृष्णा, कृष्णा कहाँ है, वेयर इज कृष्णा, ठीक है। उसके बाद क्या कराना है, राधा मिस यू, इतना ये सोच रही है।
अब गाइस जब ये ऐसा सोच रही है और जब इनका बैकड्रॉप जो होगा मूव होगा, ये वाला बैकड्रॉप आएगा जब ये चलना स्टार्ट करेंगी। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ रहा है वेयर इज कृष्णा, और इसकी टाइमिंग हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, 2-2 सेकेंड की जगह हम कर देते हैं 5-5 सेकेंड, यानी कि 5-5 सेकेंड तक लिखा हुआ है, आप कितनी भी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पे दूसरी स्प्राइट को अपलोड करेंगे। कौन सी स्प्राइट? कृष्ण भगवान जी की स्प्राइट। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कृष्ण भगवान जी की स्प्राइट और इनको हम एक पोजिशन पे रख देते हैं। देखिए राधा जी यहाँ पे है, कृष्ण जी को मैंने रख दिया यहाँ, ठीक है। अभी जो कृष्ण जी हैं, पहले तो ये कैसे रहे, पहले तो ये रहे हाइट, लुक्स में जाके इनको हम करा देंगे हाइट, ठीक है। शो कब करेंगे? शो करेंगे ये जब राधा जी यहाँ पे पहुंचेंगी, बैकड्रॉप चेंज होगा। फिर जब बैकड्रॉप चेंज होगा तो आपको एक मैसेज को स्विच कराना है, ब्रॉडकास्ट मैसेज वन, ठीक है। अब ये जो मैसेज वन है ये किसको मिलेगा? कृष्ण भगवान को मिलेगा। व्हेन आई रिसीव मैसेज वन, तो क्या करें ये, तब ये शो करें। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ये शो का ऑप्शन, यानी कि जैसे आप फ्लैग को क्लिक करेंगे तब तो वो हाइड रहेंगे, लेकिन जैसे ही बैकड्रॉप स्विच होगा तो वो क्या करेंगे कृष्ण भगवान जी, वो आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए अभी ये रन होगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमने कृष्ण भगवान जी लिए ना, उनके कॉस्ट्यूम भी हमें चाहिए। कॉस्ट्यूम यानी कि उनकी मुझे आईज को ब्लिंक करवाना है, तो दूसरा कॉस्ट्यूम चाहिए। तो दूसरा जो कॉस्ट्यूम है मैं यहाँ पे अब अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। सो गाइस अब आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट्यूम में चले जाना है और यहाँ पे कृष्ण जी का एक कॉस्ट्यूम मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। तो ये रहा मेरा दूसरा कॉस्ट्यूम जिसमें इनकी आईज जो है वो क्लोज है, ठीक है। अब मुझे इनको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, और मुझे लेना है कंट्रोल में जाके फॉरएवर, और फिर मैं इसमें डाल दूंगी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। लुक्स में जाके ले लेते हैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, और इसको हम करा देते हैं थोड़ा थोड़ा वेट, तो वेट करा देंगे 1 सेकेंड का, ठीक है। अब जब मैं फ्लैग को क्लिक करूंगी तो वही मेरा वो जो राधा जी है वो चलेंगी, और जैसे ही वो एज पर टच करेंगी दूसरा बैकड्रॉप आ जाएगा और जो कृष्ण भगवान जी हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, इसके बाद आपको और इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ठीक है। तो अब हम एक और स्प्राइट यहाँ पे लेंगे। कौन सी स्प्राइट लेंगे हम यहाँ पर? यहाँ पर हम लेंगे हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चूज अ स्प्राइट में जाके हार्ट आपको मिल जाएगा, तो बस वही आपको ले लेना है, दिस वन, ठीक है। अब ये जो हार्ट है, सबसे पहले तो हम इसका जो साइज है वो डिफाइन कर देते हैं। आप इसको कितना भी साइज दे सकते हो, जितना भी आपको चाहिए, और मैं इसको साइज दे रही हूँ 40% का, 40% कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है। 40% करने के बाद जब मैं फ्लैग को क्लिक करूँ तब तो ये हाइट रहे, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड लुक्स में जाके इसको हम करा देते हैं हाइट, दिस वन। लेकिन जब इसको मैसेज वन मिलेगा तब ये शो करेगा, तो इसका हमने शो का ऑप्शन ले लिया, और इवेंट में जाके हम ले लेते हैं व्हेन आई रिसीव मैसेज वन, तो ये शो करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, ये वेट करेगा। कितने सेकंड का वेट करेगा गाइस? वेट करेगा ये 3 सेकंड का वेट करेगा, और ये फ्रंट लेयर पे रहेगा। तो लुक्स में जाके हम लोग ले लेते हैं गो टू फ्रंट लेयर, ठीक है, ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद इसका जो साइज है वो हम सेट करवा देते हैं यहाँ पर, सेट साइज टू 100% होता है वैसे तो, लेकिन अभी हमें कितना चाहिए, 40% हमें चाहिए, क्योंकि 40 पे ये परफेक्ट जा रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसको गो टू दे देंगे, कहाँ पे जाए ये, यहाँ पे जाए, ठीक है, यहाँ से। तो हम ये पोजीशन इसकी सेट कर लेते हैं, और उसके बाद क्या हो, ये ग्लिड करता हुआ कहाँ जाएगा, ग्लिड करता हुआ ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ग्लिड 1 सेकेंड टू दिस, और यहाँ पे 1 सेकेंड की जगह हम लोग क्या लेंगे, 4 सेकेंड, धीरे धीरे वो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो करेगा वेट, कितना वेट कराएंगे, 2 सेकेंड का ही इसको हम यहाँ पे वेट करा देंगे, 2 सेकेंड का वेट करेगा, और फिर हम इसको रिपीट 10 कराएंगे, ठीक है। रिपीट 10 में क्या होगा, इसका जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, तो चेंज साइज बाय का ऑप्शन हम लेंगे, 10 टाइम्स इसका साइज जो है वो छोटा होगा, और यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस के
साइज हम ले लेते हैं इसका माइनस के 7, ठीक है। माइनस 7 के बाद फिर से ये वेट करेगा, कितना वेट करेगा, 0 point something का वेट करेगा, वेट 0.4, ठीक है, इतना वेट करेगा। उसके बाद ये हाइड हो जाएगा और हाइड होने के बाद ये एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करा देगा। हाइड होगा और हाइड होने के बाद दूसरा मैसेज ये ब्रॉडकास्ट कराएगा। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ ब्रॉडकास्ट मैसेज और यहाँ पे इसको मैं न्यू मैसेज दे दूंगी और वो जो मैसेज होगा वो होगा 2, ठीक है। सेकेंड मैसेज अब ये जो था इसने प्रिंट करा दिया। अब वो जो हमारा दूसरा मैसेज है वो किससे मिलेगा, वो मिलेगा राधा जी को। तो अब हम राधा जी को और इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जब इन्हें दूसरा मैसेज मिलेगा तो ये क्या करेंगी गाइस, ये वेट करेंगी, कितना वेट करेंगी, 2 second का राधा जी वेट करेंगी और वेट करने के बाद वो ग्लिड करेंगी, ठीक है। ग्लिड करती भी कहाँ जाएंगी, वो ग्लिड करती भी वो भी यहाँ तक आएंगी, ठीक है। अब यहाँ तक परफेक्ट है तो हम इनको ग्लिड करा देते हैं, मोशन में जाके ग्लिड का ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया और 4 second 1 की जगह हम यहाँ पे डाल देंगे ग्लिड 4 second फॉर दिस। उसके बाद कंट्रोल में जाके रिपीट 10 ले लेंगे और रिपीट 10 में हम इनका साइज छोटा करा देंगे। तो हम लेंगे चेंज साइज बाय माइनस के 10, चेंज साइज बाय माइनस के 10, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आई थिंक मोशन में ही होना चाहिए चेंज साइज बाय गिरा 10, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे 10 की जगह ले लेंगे माइनस के 10, ग्लिड करेंगी वो, उनका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा और फिर हम उनको वेट करा देंगे 0.05 का, 0.05 का हमने इनको वेट करा दिया। और फिर से हम क्या करेंगे, हम इनको फिर से करा देंगे हाइट। तो हमने ये हाइट का ऑप्शन ले लिया और हाइट का ऑप्शन लेके हमने यहाँ पे लगा दिया और फिर ये वेट करेंगी 5 second का, वेट करा देते हैं इनको 5 second का यहाँ पर 1 second की जगह पर। और फिर हम इनको करा देंगे ब्रॉडकास्ट 3rd message। तो ब्रॉडकास्ट हमने यहाँ पे 2 ले लिया और 2 लेने के बाद हम लेंगे न्यू मैसेज और यहाँ पे हम डाल देते हैं 3। ब्रॉडकास्ट हमने इनको करा दिया 3rd। अब ये जो 3rd message जो हमने प्रिंट कराया, ठीक है, अब ये किसको मिलेगा वो हम बाद में देंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे म्यूजिक ऐड करूंगी। म्यूजिक किसको दूंगी मैं, आप चाहे तो स्टेज में जाके भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो चलिए स्टेज में ही कर लेते हैं। स्टेज पे क्लिक किया मैंने और मैंने ले लिया वेन फ्लैग क्लिक्ड, तो क्या होगा, साउंड एक प्ले करेगा लेकिन उस साउंड को अपलोड भी करवाना है आपको। तो हम अपलोड साउंड पे चले जाएंगे और अपलोड साउंड पे जाने के बाद दिस वन, ठीक है, ये मेरा होगा। इसको चला के दिखाती हूँ मैं आपको, दिस वन परफेक्ट। ये जो पॉप है इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। अब एक और साउंड मैं यहाँ पे अपलोड कराऊंगी क्योंकि मुझे 2 sound चाहिए, दिस वन, ठीक है, ये भी आ गया। अब इसको कोड क्या देना है, जब हम फ्लैग को क्लिक करेंगे तो मेरा फर्स्ट वाला आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट साउंड दूंगी, तो ये मैंने ले लिया प्ले साउंड और प्ले साउंड में जाकर मैं फर्स्ट ये वाला साउंड लूंगी, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे लेना है चेंज पिच इफेक्ट या फिर हम लोग ले लेते हैं सेट पिच इफेक्ट 2 और यहाँ पे मैं जो पिच का जो इफेक्ट है वो मैं यहाँ पे चेंज करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 30, ठीक है, और उसके बाद मैं लूंगी प्ले साउंड दिस वन। चलिए देखते हैं, एक सेकेंड, हमारे जो कृष्ण जी हैं वो शो ही नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं शो कर रहे हैं भाई, अब तो इनको मैसेज 1 यहाँ पे मिल जाना चाहिए था। ब्रॉडकास्ट करा दिया 3rd और एक सेकेंड, हाँ क्योंकि हमने ब्रॉडकास्ट फर्स्ट नहीं कराया, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कंट्रोल में जाके ब्रॉडकास्ट फर्स्ट इवेंट्स पे और इन्हें पहला मैसेज मिलेगा तभी ये शो करेंगे मैसेज 1, ठीक है, अब ये शो करेंगे। अब देखते हैं,
अब इनका जो कॉस्ट्यूम है कृष्ण जी का वो भी परफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको भी हमें उसी जगह पे रखना है जहां पे कृष्ण जी को रखा था, ऐसे लाइक दिस। और ये जो कॉस्ट्यूम है इनको थोड़ा नीचे रखा हुआ है और इनको ऊपर रखा हुआ है, तो इनको भी हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। फ्रंट लेयर पर रखना है तो इनको हम ले लेंगे गो टू फ्रंट लेयर। हाँ जी, ये बैक लेयर पे जा रही है, फ्रंट लेयर हमने ले लिया। और अभी भी कृष्ण जी का कॉस्ट्यूम सही नहीं है, तो इनका कॉस्ट्यूम सही करते हैं पहले। तो हमने ये लिया और जो सेकंड लिया वो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, इनको भी हमें थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। देखिए इनका हाथ नीचे आ रहा है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। अब देखते हैं, यस अब परफेक्ट है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक है, ठीक है गाइस। अब इतना लेने के बाद आपको क्या करना है, इतना लेने के बाद आपको एक और स्प्राइट को यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपलोड स्प्राइट पे जाएंगे, और अपलोड स्प्राइट पे जाने के बाद सब आपको क्या करना है, एक और स्प्राइट को आपको अपलोड करना है। तो हम लोग अपलोड स्प्राइट पे जाएंगे और यहाँ पे एक और स्प्राइट हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं कि ये कौन सी स्प्राइट है, को हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। ये तो फ्लावर की है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें कौन सी चाहिए, एक और स्प्राइट है बहुत ही अच्छी, राधा जी की और कृष्ण जी की, वो चाहिए मुझे। इसको मैंने डिलीट कर दिया, दूसरे स्प्राइट ढूंढते हैं, मे बी वो डेस्कटॉप पे होगी, दिस वन, हाँ ये रही। इसको आपको ओपन कर लेना है, ये थोड़ी बड़ी स्प्राइट है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, इतना ही अपलोड हो जाए। और गाइस जितनी भी स्प्राइट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उन सबका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप वहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेरी स्प्राइट यहाँ पे आ गई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, 150 करके देखते हैं कि कितनी बड़ी है। अभी और बड़ा करना पड़ेगा, 150 सफिशियंट नहीं है, 180 करके देखते हैं, 176 हो गया ये, 190 करके देख लेते हैं, चलो। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ओके फाइन। आप देखिए इसका साइज जो था इतना बड़ा हो गया, ठीक है। दिस वन, हाँ जी, अगर आपको छोटा करना है तो हम छोटा कर लेते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है, और इसको हम थोड़ा सा इधर सेट कर देंगे। अब परफेक्ट है, ठीक है। अब गाइस इसको क्या कराना है, इवेंट्स में जाके इसको हम हाइड कराएंगे। तो लुक्स में हम गए और हमने यहाँ पे ले लिया हाइड का ऑप्शन, और ये हमारी शो कब करेगी, ये हमारी शो करेगी जब इसको मिलेगा मैसेज। कौन सा मैसेज, हमने लास्ट टाइम ब्रॉडकास्ट कराया था, व्हेन आई रिसीव विच मैसेज 3, तो जब इसको थर्ड मैसेज मिलेगा तो ये शो करेगी। और अब हम क्या करेंगे, इसका करा देते हैं कलर चेंज, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं रिपीट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 20 टाइम्स क्या हो, इसका कलर चेंज हो जाए। तो लुक्स में जाके हम ले लेते हैं चेंज कलर इफेक्ट, ठीक है। कलर इसका हमने चेंज करा दिया, और कलर चेंज कराने के बाद क्या हो, ये वेट करे, तो कंट्रोल में जाके हम यहाँ पे वेट ले लेंगे 0.5 का, कि 0.5 का ये वेट करे,
फिर इसका कलर चेंज हो और फिर ये एक और मैसेज को ब्रॉडकास्ट करा दे। कौन सा मैसेज? ब्रॉडकास्ट 4। 2 के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर न्यू मैसेज और ये हम डाल देंगे 4। ठीक है, अब बस लास्ट राइट है जो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। आप चाहे तो उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो कौन सी करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कॉस्ट्यूम मैंने ये ले रखा है यहाँ पर, आप चाहे तो ये ड्रॉ भी कर सकते हैं। हैप्पी राधा अष्टमी, आपको पता ही है ड्रॉ कैसे करना है। चूज स्प्राइट पे जाएंगे, पेंट पे जाएंगे और कलर चूज कर लेंगे, जो भी आपको कलर चूज करना है। यहाँ से हम लोग कलर चूज करेंगे और कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे। फिल करने के बाद कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो आपका कलर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए जैसे ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं लाइक दिस। लेकिन उससे पहले आपको कलर दूसरा लेना पड़ेगा, नहीं तो उस कलर पे वो दिखाई नहीं देगा। देखिए अब दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरह से आप ये बना भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको अपलोड ही करवा लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट टाइम हमने कौन सा दिया था? ब्रॉडकास्ट कराया 4। तो जब इसको 4 मिलेगा तभी ये शो करेगी, व्हेन आई रिसीव 4। तो ये क्या करेगी गाइस, तब ये शो करेगी। उससे पहले ये क्या रहेगी, उससे पहले ये रहेगी हाई। अब हमारा ये जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। गाइस सबसे पहली बात तो है कि हार्ट की पोजीशन सही नहीं बैठ रही है, ठीक है। पोजीशन सही नहीं आ रही है यहाँ पर हार्ट की, तो हार्ट की पोजीशन हम लोग पहले ठीक कर देते हैं। ठीक है गाइस, सो हार्ट की पोजीशन ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हार्ट पे चले जाते हैं और ये जब शो करेगा इसको हम करा देते हैं शो। दोबारा से रन करवाना पड़ेगा।